नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे, जेट की आंसर की आ चुकी है और हम उसको सॉल्व करके बताएंगे, फिर आप जान सकते हो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही है और कौन कौन से गलत हुए हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। राइट आंसर क्या है, सटीक आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वनस्पति के कुल की है, भिंडी, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, बैंगन होगा, सोलेनम मेलियन जाना होगा, ब्रिंजल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है, चूने का प्रयोग करके, सारे उर्वरकों का प्रयोग करके, निक्षालन, उपरोक्त सभी। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निक्सालन होगा, क्योंकि लीचिंग में क्या करते हैं, जो एक तरीके से जो आयन से वो सारे के सारे नीचे चले जाते हैं जमीन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, ऑप्शन है मालपुरी, जैसलमेरी, कराकुल, बीकानेरी। तो गाइज यहाँ पर हम बात करें मालपुरी, कराकुल एंड जैसलमेरी, ये तीनों के तीनों भेड़ की नस्लें हैं, बट यहाँ पर बीकानेरी भेड़ की नस्ल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए रहता है या खुलता है, उत्तर, पूर्व, दक्षिणी, पश्चिमी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर होता है, और स्टीवेंसन स्क्रीन आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, जलवायु क्लाइमेट शब्द किस उत्पत्ति भाषा के शब्द से बना है या किससे उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ग्रीक, अरेबिक, लैटिन, फ्रेंच है। राइट आंसर होगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्न में से कौन सी खेती जहां किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता है और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है, ऑप्शन है जैविक खेती, सूखी खेती, सिंचित खेती, रेनफील्ड खेती। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर होगा एरिड फार्मिंग, सूखी खेती। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्राई फार्मिंग के तीन प्रकार होते हैं, उसी का एक प्रकार है सूखी खेती, जहां पर वर्षात नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब वो क्या करता है, एक तरीके से सिंचाई नहीं करता, वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है, मक्का, मूंगफली, चना, सोयाबीन। तो यार मक्का, मूंगफली और सोयाबीन इनकी तो अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, राइट आंसर क्या होगा, चना होगा, साइसर एरेटिनम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस फसल के दानों में गम या गोंद जैसा पदार्थ होता है, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार, मूंगफली। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ग्वार होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर स्थित है, तो गाइस ये भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है। तो गाइस यहां पर जैसे फर्स्ट ऑप्शन है प्लांटेशन फसल, चावल, तो गाइस ये एक प्लांटेशन फसल है, हम इसको प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये राइट आंसर हमारा नहीं होगा। बेवरेज पेय फसल चाय, ये तो क्या है, ये तो सही है, बट हमें क्या बताना है, सही नहीं है, ठीक है। सोने का धागा जूट को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मोटे अनाज वाली फसल रागी, तो गाइज ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मोटे अनाज वाली फसल नहीं है रागी, रागी तो महीन अनाज वाली फसल है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गाजर घास है फसल वाला पौधा, औषधीय पौधा, खरपतवार तेल वाला पौधा। तो गाइस जो कांग्रेस ग्रास है या जो गाजर घास है, ये एक खरपतवार वाला पादप है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस नत्रजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है, कहने का मतलब है एनपीके के अलावा सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तीनों में अधिकता होना चाहिए इनसे ज्यादा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा यहां पर अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं चना की फसल बिना अलग अलग कतार में बोने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवसीय पादप है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट, यहां पर राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, चावल होगा, राइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? तो गाइस प्राइड ऑफ इंडिया एक हाई यील्डिंग वैरायटी है केबेज की, पत्ता गोभी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर है? तो गाइस यहां पर इसका राइट आंसर हमारे पास होगा 47, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका जो ज्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? गाइज यहां पर सेल्टर बेल्ट दे रखा है, मल्चिंग दे रखा है, टेरेस कल्टीवेशन दे रखा है, कंटूर बैरियर दे रखा है। तो गाइज यहां पर इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, कंफ्यूजन है, यहां पर मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टेरेस कल्टीवेशन होगा। बट इसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, आप इसको कंफर्म मत मान लेना, बट यहाँ पर जो अधिकतर जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, टेरेस कल्टीवेशन की। अगर किसी को बिल्कुल अच्छे से कंफर्म है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? तो गाइस ये होती है क्ले सोइल के अंदर, मृत्तिका के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व भी इसी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन व ऋणायन दोनों रूप में पौधों में अवशोषित किया जाता है? तो गाइस यहां पर आप लोगों को पता होगा कि जो नाइट्रोजन है, नत्रजनन है, ये अमोनिया एक तो NH4+ एंड NO3-, मतलब दोनों में धनायन और ऋणायन दोनों में ग्रहण किया जाता है, राइट ऑप्शन होगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसबगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है? तो पूसा नन्ना हो जाएगा, यह हाई डेंसिटी प्लांटिंग वेराइटी भी है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नत्रजन फिक्सेशन माइक्रोब नहीं है? तो वही हम बात करें एजिटोबैक्टर, नोस्टॉक, इधर बिंजरेकिया, तो ये क्या है, ये फिक्सिंग है, मतलब फ्री है, बट यहाँ पर जो राइजोबियम है तो यहाँ पर हमारा राइजोबियम हो जाएगा। कौन सा मुक्त जीवित नत्रजन फिक्सेशन माइक्रोब नहीं है? तो ये वाला नहीं है, ठीक है ना, राइजोबियम, क्योंकि सहजीवन व्यापन करता है, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा युग्म मेल सही नहीं है? प्याज का कुल लिलियेसी सही है, शकरकंद चिनोपीडियेसी ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा शकरकंद, और जो भिंडी है मालवेसी होता है, मटर फेबेसी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्री इमरजेंस प्रयोग किया जाता है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा पेंडा मिथालिन, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधों में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, नत्रजन, जस्ता। तो गाइस यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्न में से वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों में समृद्ध किया जाता है, इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके एनिमल हस्बेंड्री का है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, तो ये तीनों तो क्या है, भारतीय है, बट यहाँ पर जो जर्सी है ये बोस टोरस है, और इसका जो है फ्रांस द्वीप है, राइट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयुक्त है? जहां पर बारिश नहीं होती, सूखा है वहां पर, तो वहां पर स्प्रिंकलर अपनाया जाता है, बोछारी सिंचाई विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी में सामान्य विशेषता है? तो गाइस ये है काली मिट्टी में, आप लोगों ने देखा होगा कि जो काली मृदा है इसमें पानी पिलाते ही क्या होता है, 4 से 5 दिन बाद क्रैक होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है, काजरी भरतपुर में है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, बट राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जयपुर में नहीं है, ये कहां पर है, अजमेर में है, राइट आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को
किसमें दर्शाया जाता है, ग्राम, केजी में, प्रतिशत में, ग्राम घन सेंटीमीटर में, ग्राम में। तो गाइस यहां पर राइट आंसर होगा इसका ग्राम, केजी। गाइस इसको थोड़ा सा आप देख ले और कंफर्म कर ले, इसमें थोड़ा सा डाउट है बट आप अपने लेवल पे देख लेना, एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, क्लियर है, बाकी आपके सारे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। आप लोगों को पता है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। यहां पर देखो हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, ये तो क्या है हमारे पास मैक्रो है, मतलब वृहद है, बट माइक्रो के अंदर आता है लोहा, ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील है, तो है SO2 के, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर टू हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, गाय का दूध, अंडे, मछली, मांस। तो गाइस मांस के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ABA। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABA, एब्सेसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण में काम आता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डिस्क हल, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्केरो द्वितीय के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है क्रोम्स के द्वारा, घन कंदों के द्वारा, ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारे पास रिलीफ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा फल अवलह बनाने के काम आता है। तो गाइस यहां पर राइट आंसर होगा अमरूद, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशु के पालने की कला को, इस विज्ञान को क्या बोलते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं फार्मिंग या खेती। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिला लें कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। और अगर आप लोगों को बायोलॉजी के आंसर की चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसकी भी आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। गाइस हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड।